सबसेट सम, इक्वल सम पार्टीशन, काउंट ऑफ सबसेट सम, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस, टारगेट सम और नंबर ऑफ सबसेट पर गिवन डिफरेंस, ये 6 प्रॉब्लम्स हैं। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ तुमको अभी कि ये 01 नैपसैक अगर तुमने कर ली तो ये 6 प्रॉब्लम्स बहुत इजी होंगी। ठीक है, बहुत माइनर चेंजेस हैं, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं जो तुमको इसके कोड में करने पड़ेंगे नैपसैक 01 नैपसैक के, और इन सब का कोड आ जाएगा आराम से। अच्छा, उन बस माइनर चेंजेस को पहचानना है, वो माइनर चेंजेस क्यों कर रहे हैं वो हमको डेवलप करना है। एक बार इसका कोड लिखना आ गया हम लोगों को तो हम लोग वो माइनर चेंजेस कर सकें। अगर हम लोगों से एग्ज़ाम में कोई इसके सिमिलर लेट्स कोई 7 प्रॉब्लम पूछ ली, प्रॉब्लम 7 राइट, हम लोगों ने नहीं करी है, तो हम लोगों को इतना अपना दिमाग ये 6 प्रॉब्लम करते करते डेवलप हो जाएगा कि हम इसके लिए भी वो माइनर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम से। अच्छा, ये 01 क्या है तो पहले मैं वो क्लियर करता हूँ। नैपसैक प्रॉब्लम क्या है, अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। डीपी की पहली प्रॉब्लम लोग नैपसैक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, पर मैं अभी यहाँ बोलता हूँ जैसा मैं समझाऊंगा ना ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं समझाएगा। तो मैं रटना है जाके ना कोड रट लो जाके, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों की वीडियो है, जेनी की है, तुषार की है, राइट, तो मैं तुम्हें कोड लिखना सिखा रहा हूँ कैसे डेवलप करोगे तुम कोड, कोई नई प्रॉब्लम आएगी। और बेसिकली तो मैं इतने सारे वेरिएशन सिखा रहा हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, एक कोड से इतने सारे प्रॉब्लम्स, वो सब लोग इसको कभी बताते भी नहीं है, यूट्यूबर्स कोई बुक किसी में कुछ कहीं नहीं लिखा है कि ये सारे कोड जो हैं आपस में ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, कहीं पर ये नहीं लिखा है, पर ये है। अभी देखते हैं नैपसैक प्रॉब्लम क्या है। नैपसैक प्रॉब्लम अभी 01 क्या है, ठीक है, तो नैपसैक प्रॉब्लम एक्चुअली 3 टाइप की है। अच्छा, तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा फ्रैक्शनल नैपसैक, अगर नहीं सुना है तो सुन लेना जाके। ये आता है ग्रीडी में, राइट, ये ग्रीडी में आता है, ये डीपी का क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें क्या होता है, चलो अभी थोड़ी देर में आता है इसमें क्या होता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है 01 नैपसैक, ठीक है, जो कि अपन पढ़ेंगे, और एक होती है अनबाउंडेड नैपसैक। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग नैपसैक देखते हैं होता क्या है। नैपसैक क्या है, कोई सा भी बैग, कोई भी बैग मान लो उसे नैपसैक बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये बैग वो होता है जो अपन शोल्डर वगैरह पे कैरी करके ले जाते हैं, पर कोई सा भी बैग मान लो नैपसैक है, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम में होता क्या है, इस प्रॉब्लम में इनपुट क्या दे रखा होता है हम लोग को, इनपुट होता है इसमें हम लोगों को कुछ आइटम दे रखा होता है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, राइट। लेट्स से हमारे पास चार आइटम्स हैं ना, ओके, और इस इनपुट में हम लोगों को इन आइटम्स का क्या दे रखा होता है, कुछ वैल्यू दे रखी होती है। तो हम लोगों को एक एरे दे रखा होता है वेट एरे, और एक एरे दे रखा होता है वैल्यू एरे, जिसमें इस आइटम का क्या वेट है और इस आइटम की वैल्यू क्या है वही वैल्यू एरे में दे रखी होगी। लेट्स से 1 1 3 4 4 5 5 7, ठीक है। और अपने को इनपुट में दे रखा होता है कैपिटल W या C बोलते हैं कुछ लोग, कैपेसिटी, जो कि वेट होता है जो इस ये बैग होल्ड कर सकता है। लेट्स से ये बैग एट मैक्सिमम 10 kg होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा इसमें सामान नहीं आ सकता, तो ये 10 हो जाएगा, राइट। सो लेट्स से इसको 7 ले लेते हैं फॉर एज ऑफ नाउ, 10 काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम लोग को एक कुछ आइटम दे रखे हैं, आइटम के वेट हैं, ऐसा समझ लो कि यहाँ पर कोई आइटम 1 है, मान लो ये एक ब्रिक है, इसकी वैल्यू है 10 rupees, उसका वेट है 2 kg। दूसरा आइटम क्या है, दूसरा आइटम एक लैपटॉप है, लैपटॉप का प्राइस है 1000, सेकेंड हैंड है ना, 1 kg इसका वेट है। तो ये सब आइटम है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका वेट दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका वेट दे रखा है, और अपने पास एक बैग है, ये बैग है अपने पास। अब हम लोगों को कौन कौन सा आइटम पिक करके इस बैग में ले जाने हैं कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो। कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पर, कंस्ट्रेंट क्या है,
कि अपने बैग का एक फिक्स वेट है। हम लोग इस बैग में, जैसे ये 7 kg का है, तो मैक्सिमम हम लोग 7 kg का ही सामान हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें स्टोर ही नहीं कर सकते। एम सॉरी, सर्दी हो रखी है इधर काफ़ी, है ना। तो मैक्सिमम अगर ये 7 kg का बैग है हमारा, जो कि ये बैग हम लोग का 7 kg का है, लेट्स से ये बैग है 7 kg, नैपसैक है, तो हम लोग इसमें मैक्सिमम 7 kg का सामान कर सकते हैं। तो कौन कौन सा सामान रखे हैं, लेट्स से कोई सामान 7 kg का है वो 5 रुपये का ही है, और कोई और सामान 7 kg का है वो 1000 रुपये का है, तो बेटर होगा कि हम लोग ये 1000 रुपये वाला रखें ना। तो हम लोग को इन आइटम में से चूज करना है कि कौन सा आइटम अपन लोग पिक करें इनमें से, वो अपने बैग में रखें कि जिससे कि अपना मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये अपनी नैपसैक प्रॉब्लम है, ठीक है। नैपसैक प्रॉब्लम अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि हम लोगों को कुछ आइटम्स दे रखे हैं, आइटम्स राइट, और एक दे रखा है हम लोगों को बैग, ये है नैपसैक, ठीक है। ये आइटम्स है, आइटम्स का प्राइस है P1, P2, P3, P4, W1, W2, W3, W4, और इस नैपसैक का वेट दे रखा है W। ये प्रॉब्लम है। अब इसमें से कौन सा आइटम उठा के इसमें डालें कि अपना नैपसैक पूरा भर जाए और अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो, भरे ना भरे उससे मतलब नहीं है, पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। अब अपने पास नैपसैक के कुछ वेरिएशन थे। 01 नैपसैक क्या बोलता है, सबसे पहले था फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक क्या है, लेट्स से हम लोग का बैग है 10 kg का और हम लोग ने 9 kg का भर दिया है, ये इसमें कुछ ना कुछ सामान भर दिया है, रह गया 1 kg का खाली। अब हम लोग के पास एक आइटम है, हम लोगों के पास एक आइटम है, वो आइटम क्या है, लेट्स से अपने पास आइटम का वेट है 2 kg और इसकी प्राइस है ₹20। तो फ्रैक्शनल नैपसैक में हमको क्या अलग होता है कि हमारे पास 1 kg रह गया है, तो हम लोग ये 2 kg का पूरा आइटम तो नहीं डाल सकते, तो हम आइटम को फ्रैक्शन में डाल सकते हैं, इसको हाफ कर लिया और हम लोगों ने इसका हाफ आधा करके इसको ब्रेक करके हाफ इसमें 1 kg यहाँ डाल लिया, तो अपने को प्रॉफिट 20 नहीं होगा, प्रॉफिट हो जाएगा ₹10 का। तो ये होता है फ्रैक्शनल नैपसैक कि हम लोगों ने, अगर हमारा पूरा बैग भर गया है और हम लोग के पास इतनी जगह नहीं रह गई है कि हम लोग पूरा पूरा ये पूरा पूरा आइटम ऐसा होल डाल सकें, तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस आइटम को, और ब्रेक करके हाफ करके या फिर कोई भी फ्रैक्शन करके उतना प्राइस का प्रॉफिट ले सकते हैं, ये फ्रैक्शनल नैपसैक है। तो इसकी सिंपल अप्रोच है, ग्रीडी अप्रोच है, इसमें डीपी की कोई ज़रूरत नहीं है। 01 नैपसैक में डीपी की अप्रोच है, क्यों, क्या होता है 01 नैपसैक में, अब हमारे पास इसमें आइटम अगर बचा है ना, तो हम लोग को ये आइटम एज ए होल डालना पड़ेगा, या तो हमारे पास बैग में, ये बैग है, बैग में अगर 9 kg भर गया है और 1 kg बचा है, हमको ये 2 kg वाला आइटम डालना है, तो या तो ये पूरा 2 kg डालो, तो इसमें से 1 kg निकालो उसके बाद डालो, या तो इसको रहने दो, डालो ये मत, 1 kg खाली रहने दो बैग। तो ये होता है आइटम ऐसा जीरो जाएगा, या तो बिल्कुल नहीं जाएगा, या फिर एज अ होल 1 जाएगा, कोई फ्रैक्शन में 0 से 1 के बीच में नहीं जाएगा कि 0.5 डाल दे, जैसे कि यहाँ पर 0.5 डाल देते थे, वो नहीं होगा। अच्छा, अनबाउंडेड नैपसैक क्या होता है, 01 तो हम लोगों को समझ में आ गया कि 01 नैपसैक क्या है, बस 01 नैपसैक में ये आइटम है, ये बैग है, ठीक है। अभी इस आइटम का हम लोग क्या है, एक ही इंस्टेंस डाल सकते हैं, मतलब अगर हम लोग के पास ये आइटम हम लोग इसमें बैग में डाल दिया, तो हम लोग के पास ये दोबारा इसको पिक करके दोबारा नहीं डाल सकते। अनबाउंडेड नैपसैक में क्या है, कोई लिमिट नहीं है, हम लोग जैसे यही आइटम अनलिमिटेड सप्लाई आइटम की, और इसको फिर बार बार ये पूरा बैग इसी आइटम से भर सकते हैं अनबाउंडेड नैपसैक में। 01 में क्या है, एक आइटम की एक ही सप्लाई है। तो ये तीनों नैपसैक क्लियर हो गए। नैपसैक क्या थे, फ्रैक्शनल नैपसैक था, 01, और लास्ट कौन सा है, अनबाउंडेड। तो मैंने क्या बोला कि फ्रैक्शन में तो 0.5 भी जा सकता है, हाफ भी तोड़ के डाल सकते हो, जगह नहीं है तो, पर इसमें क्या है, या तो एज अ होल बिल्कुल नहीं जाएगा, और या तो एज अ होल पूरा पूरा जाएगा, 0.1
0.5 की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल अकरेंसेस डाल सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल अकरेंसेस अलाउ नहीं थे एक ही आइटम के। ठीक है, तो ये तो नैपसैक हो गए सारे। अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू आवर 01 नैपसैक, राइट। 01 नैपसैक, अब मैंने बोला कि ये 01 नैपसैक है। अच्छा, अब मैं तुमको बताऊंगा भी कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, राइट। कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये डीपी की प्रॉब्लम है, और डीपी की प्रॉब्लम का सलूशन अगर हमको आइडेंटिफाई कर लिया तो हम लोगों को ये कैसे निकालना है कि डीपी के सलूशन कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि वैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम में क्या लगाना है। मेरे को नहीं पता कि ये डीपी की प्रॉब्लम है। लेट्स से मेरे को पहली बार ये प्रॉब्लम दिखी है, अब मैं इसको देख रहा हूँ और मैं इसको कैसे एनालाइज करूँगा कि ये डीपी लगेगी इसमें। ठीक है, तो मेरे को क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, और एक नैपसैक का कैपेसिटी दे रखी है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है। वेट एरे है, वैल्यू एरे है, तो मैंने बोला 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 7 और कैपेसिटी 7 kg, कोई भी जो भी यूनिट है। तो मेरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज, और मेरे को आउटपुट में क्या निकालना है, आउटपुट में निकालना है मैक्स प्रॉफिट, राइट। आउटपुट में मेरे को देना है मैक्स प्रॉफिट। तो मैंने तुमको क्या बताया है, कोई भी प्रॉब्लम डीपी की है या नहीं कैसे पता चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम डीपी की है या नहीं कैसे पता चलेगा, दो चीज़ें बता दी, चॉइस होगी और ऑप्टिमल होगा। अच्छा, ऑप्टिमल तो सामने दिख रहा है हमको, आउटपुट में क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, ऑप्टिमल में क्या आ सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमल होती हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गया ऑप्टिमल, पहली बात तो ठीक है। चॉइस मिल रही है हमको, हाँ चॉइस ही मिल रही है हम लोग को। चॉइस क्या मिल रही है कि अपने पास ये बैग है, नैपसैक है, इस नैपसैक में ये वाला आइटम हम लोग डालें या रहने दें, ये वाला आइटम हम लोग डालें या फिर रहने दें। मतलब किसी भी आइटम के लिए अपने पास दो चॉइसेस हैं, या तो उसको अपन नैपसैक में डाल सकते हैं या फिर उसको छोड़ सकते हैं। चॉइस मिल रही है, बिल्कुल चॉइस मिल रही है। तो इस दोनों से, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या है, डीपी की प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैंने तुमको बताया डीपी की प्रॉब्लम है, तो क्या करोगे, सीधे मैट्रिक्स बनाना शुरू कर दूँ, इनिशलाइज कर दूँ? नहीं, डीपी की प्रॉब्लम है, पेरेंट प्रॉब्लम क्या है, रिकर्सन। पेरेंट प्रॉब्लम तो रिकर्सन है। तो अब मैं बोला कि एक बार मैं आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले लिखोगे तुम रिकर्सिव सॉल्यूशन, फिर उसका मेमोराइजेशन करो, और फिर ऑप्शनल है कि तुम टॉप डाउन करो या मत करो। ये भी डीपी बोलते हैं, इसको भी डीपी ही बोलते हैं। ठीक है, डीपी क्या है, डीपी होता है रिकर्सन प्लस स्टोरेज। अगर तुम रिकर्सन प्लस कुछ स्टोरेज करना शुरू कर देते हो तो वो डीपी है। मेमोराइजेशन में हम लोग स्टोर करते हैं, टॉप डाउन में स्टोर करते हैं। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ हम लोग को इतना समझ में आ गया कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या है। नैपसैक प्रॉब्लम ने आइडेंटिफाई करी कि हाँ डीपी की प्रॉब्लम है, और डीपी की प्रॉब्लम है तो हम लोग उसका सोल्यूशन लिखना शुरू करेंगे, रिकर्सिव सोल्यूशन, राइट।